वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सलमान और मैं हूं अभी पर चिरापुंजी में। आज का चिरापुंजी का मौसम इतना ज्यादा बेकार है भाई साहब। सुबह से बारिश हो रहा है और अभी के बज चुके हैं 10, तो लिफ्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं हूं पेट्रोल पंप में। आप नीचे पीछे देखो, इंडियन ऑयल करके लिखा है ना, तो उनकी स्टाफ के साथ मैं बैठा हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो उन्होंने बोला हमारी गाड़ी जाएगी डोकी की तरफ 2 बजे, तो मैं आपको वहाँ पे बैठा दूंगा फिर जाना। तो भाई साहब मैं यहाँ से चिरापुंजी से डोकी की तरफ 2 बजे सोचा हूँ 2 बजे गाड़ी आएगी इनकी, तो उसी से हम निकल चलेंगे। क्योंकि भाई साहब यहाँ पे चिरापुंजी घूमना आसान नहीं है। डेली डेली बारिश हो रहा है, रुकने का प्रॉब्लम, चलने का प्रॉब्लम। हम लिफ्ट वाले हैं, अपने पास मोटर बाइक तो है नहीं कि हम मोटर बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं। फिर कभी आएंगे चिरापुंजी घूमने के लिए, तो फिलहाल 2 बजे का वेट करेंगे और गाड़ी आएगी तो फिर हम उसके साथ गिरेंगे। ठीक है, वेलकम बैक टू डोकी वाला रास्ता। तो गाइस अभी के बज चुके हैं 3:30 बज गए हैं। मैं चल रहा हूँ डोकी की तरफ। अब यहाँ से डोकी है 54 किलोमीटर है। डोकी तो आज नहीं जा पाऊंगा क्योंकि तो एक दिन का सफर लगेगा और अभी के बज चुके हैं 3:30, तो इसलिए सोच रहा हूँ कहीं अच्छी जगह कैंपिंग करूँ। तो हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे गाड़ी दिख रही है, वहाँ पे टेंट वगैरह लगे हुए हैं। चलो चल के बात करते हैं ये लोग हैं कौन। फौजी हैं, फौजी होंगे तो फिर रहने के लिए तो नहीं देंगे। अगर कोई और होगा तो हम बात करके उन्हीं के साथ टेंट लगा लेते हैं और फिर अच्छे से रहेंगे, फिर सुबह हम निकलेंगे यहाँ से। डेरा बंजारा वाले हैं ये सब, इनसे बात करते हैं, उन्हीं के साथ कैंपिंग करते हैं। वो कैंपिंग देखो लगा हुआ है ना, तो हम भी यहीं पर रुक जाते हैं कुछ। तो ये जो कैंपिंग वाला जगह था वहाँ पे हमने बात किया, उन्होंने बोला यार हम खुद दूसरे के जगह पर रह रहे हैं, आप मालिक से जाके पूछो। तो मैं मालिक से जाके, यहाँ का जो ओनर है उससे जाके बात किया, तो बोला ठीक है आप भी जाकर वहाँ पर टेंट लगा सकते हो, सुबह चले जाना कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठहरने की जगह तो मिल गई है, लेकिन ये सब भाई लोग बोल रहे थे क्या यहाँ पे कि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि यहाँ पे भर जा रहा है यार मौसम। तो देखते हैं, अगर जगह अच्छा रहेगा तो टेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर और कहाँ जाएंगे, इसलिए मुझे टेंट यहीं पे कहीं पे आसपास लगाना पड़ेगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप लोगों का एक नया दिन और नई जर्नी पे फिर स्वागत है। तो हमने पीछे टेंट लगाया हुआ था यहाँ पे, तो अभी हम चल रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और भाई साहब ये मैं आवाज़ ओवरलोड कर रहा हूँ, ओवर वॉइस कर रहा हूँ, क्योंकि ये आवाज़ जो था ना, वे आवाज़ मेरी एयरफोन में मिस्टेक आ गया था माइक में, इसलिए आवाज़ चली गई थी। तो हम पीछे कुछ इस तरीके से यहाँ पे टेंट लगाए हुए थे, अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर आगे आप लोगों को चलते हैं, फिर मिलते हैं, फिर कैसा क्या होता है सब चीज़ आपको बताऊंगा। तो आज हमको जाना है भाई साहब डोकी, तो डोकी के लिए कितना मेहनत मशक्कत करना पड़ेगा वो चीज़ हम बताएंगे और दिखाएंगे भी आप लोगों को। तो भाई साहब हमने लिफ्ट प्लीज करके तो बना लिया है, तो अब मैं सोचता हूँ कि यहीं से लिफ्ट मांगना स्टार्ट कर दूं यार, क्योंकि मौसम भी बहुत ज्यादा बेकार है। अगर यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं देगा, बारिश होने लगेगी, तो वहाँ पे रुकने का एक जरिया है, नहीं तो यहाँ पे आसपास कोई घर भी नहीं है। अरे यार गाड़ी वाला ने साला देखो पूरा गंदा कर दिया कपड़ा। तो हमने जो अभी मैप सेट किया है वो सेट किया है उमनगोट रिवर, जो बांग्लादेश से होके इंडिया में आता है। तो ये डोकी में है और यहाँ पे परमिट गाड़ी बहुत चलती है, इसलिए मैं लिफ्ट प्लीज करके बनाया, क्योंकि मालूम नहीं चलता ना कौन सी परमिट गाड़ी है कौन सी सिंपल गाड़ी है। तो इसलिए लिफ्ट प्लीज अगर बनाएंगे तो परमिट वाला नहीं रोकेगा, और जो फैमिली वाला है अगर जिसको रोकना रहेगा तो रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे लिफ्ट मिलेगा वैसे आपको अपडेट करेंगे। अभी तो फिलहाल देखो लिफ्ट प्लीज करके ऐसे मांगना पड़ता है, और गाड़ी भी बहुत कम चलती यार इधर देखो, अभी गाड़ी बहुत कम चल रही है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। मौसम देखो बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है, अगर बारिश होने लगेगा तो फिर 2-3 घंटे लगातार बारिश ही होता रहेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई साहब यहाँ का मौसम देख लो कुछ इस तरीके से मौसम है, और अभी भैया जी ने हमको लिफ्ट दिया था यहाँ से 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का लिफ्ट हो गया, अभी भी 32 किलोमीटर यहाँ से। तो यहाँ पे तो सभी टूरिस्ट की गाड़ी लगी हुई है, तो मुझे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि टूरिस्ट गाड़ी तो नहीं देगा ना लिफ्ट। जैसे लग रहा है कश्मीर में आ गया मैं, मेरे पीछे जितनी भी गाड़ी आप लोग देख रहे हो सब पूरी टूरिस्ट गाड़ी है। तो 1-2 किलोमीटर नीचे चलना पड़ेगा जहाँ से टूरिस्ट गाड़ी खत्म होगा। और मौसम देखो यहाँ का कुछ इस तरीके से आप लोगों को पूरा धुजा धुजा दिख रहा होगा। अभी डोकी पहुँचने के बाद देखो वहाँ का मौसम कैसा होगा यार। यहीं से अपना लिफ्ट मांगने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है पूरा डोकी तक ऐसे मौसम रहेगा, तो पैदल जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, यहीं पे कहीं ट्राई करते हैं। अगर कोई रोक लेगा तो अपनी किस्मत है, और नहीं रोकेगा तो फिर देखते हैं शाम तक क्या होता है। हाँ भाई क्या नाम है इस विलेज का, नाम क्या है विलेज? ये विलेज है, दिस विलेज नेम पेनिनसुला। पेनिनसुला हाउ मेनी किलोमीटर डोकी? डोकी 30 किलोमीटर। थर्टी ये अंकल जी देखो लिफ्ट देंगे, लिफ्ट प्लीज। How many kilometers? डोकी तो आप कितने किलोमीटर जाओगे? आप कितने किलोमीटर जाओगे? ओके ठीक है, कोई दिक्कत। अंकल जी ने बोला कि यार हम तो 1-2 किलोमीटर भी नहीं जाएंगे, तो आपको डोकी जाना है तो दूसरे पकड़ लो। आप कहाँ तक जा रहे हो? वहाँ तक ड्रॉप कर दो मुझे, जहाँ तक आप जा रहे हो मुझे डोकी जाना है। नहीं नहीं आप कहाँ तक जा रहे हो वहीं तक
ड्रॉप कर दो, मैं डेव को जा रहा हूँ, फिर वहाँ से नेक्स्ट लिफ्ट ले लेंगे। तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि भी बज चुके हैं 12, मतलब कि अब दिन वापस होने लगा है, 12:10, तो 10 मिनट दिन वापस हो गए होने लगे हैं, क्योंकि जब 12 बजते हैं ना तब तक दिन चढ़ता है, 12 बजने के बाद दिन उतरने लगता है, समझ रहे हो ना आप। और यहाँ पे इंग्लिश चलती है, यहाँ पे लोग इंग्लिश इतना जानते हैं, हिंदी यहाँ पे इतना कम जानते हैं, जहाँ पे हमारे गाँव में भाई साहब इंग्लिश कम जानते हैं। ओ सॉरी ब्रदर, डू कम, डू यू नो हिंदी, डू यू नो हिंदी, हिंदी जानते हो आप, यू नो हिंदी इंग्लिश, योर नेम, नेम, ओके नो प्रॉब्लम, यू गो, ओके बाय। बंदा समझ रहा है यार क्या पूछ रहा है भाई साहब। तो यार भाई साहब गाड़ी ही नहीं आ रही यार, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अभी का बज चुका है 1:55 और बारिश देखो यार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, सुबह 10 बजे से बारिश स्टार्ट हो गया तब रुकने का नाम ही ले रहे। यहाँ पे तो मैं अपना बैग वगैरह रख दिया हूँ यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही बारिश की वजह से मेघालय में, इसलिए मेघालय छोड़कर ये दिल करता है कि अभी कभी भाग लूं मेघालय दूर, असम में चला जाऊं यार, असम में गर्मी है, ठंडी की वजह से इतना मेरा दिमाग खराब हो गया ना, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा कुछ। सामने देखो इतना ज्यादा मौसम बिगड़ा हुआ है। हाँ हाँ ओके, तो मैं तो लखनऊ का हूँ उत्तर प्रदेश, आप कहाँ के हो? आपका उत्तर प्रदेश? हाँ हाँ लखनऊ, लखनऊ। हाँ यू? मैं तो इधर है, लोकल, इधर इधर। अच्छा अच्छा हाँ लोकल। हाँ। अभी मैं डोकू जा रहा हूँ, डोकू जा रहा हूँ। आप कहाँ तक जाओगे? हाँ आप? मैं तो खाली पुंडो का। कितने किलोमीटर है? हाँ 5-6 किलोमीटर। अच्छा चलो ठीक है, तो चलो भाई 5-6 किलोमीटर की लिफ्ट मिल चुकी है, लेकिन वो भी दूसरी। तो आपका उधर किधर, आपका क्या काम करता है उधर? किधर? उधर जहाँ पे बैठा था मैं। हाँ नहीं नहीं उधर तो बारिश की वजह से रुक गया था मैं। लेकिन अभी बारिश ज्यादा हो रहा है ना इधर, मैं ऑल इंडिया ट्रेवल कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया। मतलब ऐसा आएगा ना? हाँ हाँ। YouTube क्या नाम है? सलमान बैकपैकर। यह है सलमान बैकपैकर। नॉर्थ ईस्ट में तो लिफ्ट बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन बारिश की वजह से नहीं मिल पा रहा है, और संडे भी है इसलिए नहीं मिल पा रहे, क्योंकि संडे के दिन गाड़ी भी बहुत कम चलती है। नेचुरल है नेशनल, नेशनल नॉट नेशनल, नेशनल नेचर, नेचर नॉट नेशनल, नेशनल नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। ओ ये तो नेशनल हाईवे ब्रिज। ये टोकी में है ब्रिज। हाँ अच्छा अच्छा। पोंगटुंग गोंगटुंग ऐसा करके कुछ विलेज है, एक मिनट रुको मैं पूछता हूँ। ब्रदर दिस विलेज नेम, विलेज नेम मोंगटुंग, पोंगटुंग। ठीक है थैंक यू भाई साहब। तो पोंगटुंग करके ये विलेज है, और ये विलेज समझ लो बिल्कुल इंडिया का लास्ट विलेज ही समझो, क्योंकि डोकी ही लास्ट विलेज है, और मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो यहाँ से कम से कम 20 किलोमीटर होगा अंदाज़ा बता रहा हूँ, नहीं तो अगर मैप में होता तो मैं मैप से आपको दिखा देता। तो यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो ही जाता है, क्योंकि जब इंडिया के लास्ट विलेज में पहुँचो, अगर आप अरुणाचल तरफ जाओगे तो चाइना तरफ पहुँच जाओगे, वो भी इंडिया का लास्ट विलेज हो जाएगा। इधर आओगे तो आप इधर भी बांग्लादेश हो जाएगा, तो इधर भी लास्ट विलेज हो जाएगा, तो नेट का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लेकिन पहाड़ी इलाका पूरा झील झील है यार, पहाड़ों में घर बसा हुआ है, पहाड़ ना देख देख के दिमाग ख़राब हो गया मेरा। डोकी तक आप कहाँ तक जाओगे सर? हम लोग खाली यहाँ से खाली 3 किलोमीटर यहाँ से छोड़ दोगे, ड्रॉप कर दोगे इसको मुझे आपको? हाँ हाँ। एक किला है? हाँ हाँ। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ इंडिया। क्या कर रहा है उधर? इंडिया ट्रेवल, घूमने के लिए क्या? हाँ 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 हाँ। ठीक है बोलो, चलो बैठ जाए। लेकिन पैसा क्या पेमेंट करना पड़ेगा?
आप पैसा लेंगे? अरे हम तो ट्रेवल करने वाले हैं तो पैसा लेगा, कितना रुपए लेगा पता नहीं लेकिन लेगा, गूगल पे हो जाएगा पेटीएम। मैंने बोला भाई यार रहने दे तू जा, लेकिन यार आगे पूरा जंगल जैसा है तो आगे का तो जाने का मन भी नहीं कर रहा है, सोच रहा हूँ कि जाऊँ कि ना जाऊँ, देखते हैं फिर से। और गाड़ी आए तो फिर लिफ्ट मांगेंगे, और लेकिन शाम भी हो रहा है यार, अब यहाँ पे कहीं पे आसपास टेंट भी लगाना पड़ेगा। तो गैस अभी तो यहाँ से डोकी डोकी एंड 20 किलोमीटर डोकी 22 किलोमीटर। तो भाई साहब अंकल जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, तो बोले नो नो हिंदी नो इंग्लिश। तो फिर भी तो अब हिंदी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आता है, हिंदी तो पूरा आता है, लेकिन इंग्लिश में भी समझाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हिंदी इंग्लिश इनको आता नहीं। तो मैंने इन सब जैसे ने तैसे करके बात कर लिया कि भाई साहब मैं यहाँ पे टेंट लगा लेता हूँ, और ये देखो ये यहाँ पे अपना रात में गुजारेंगे, यहाँ पे चार्जिंग वगैरह अगर पूछेंगे लगा लेंगे, ठीक है? तो उन्होंने बोल दिया ठीक है अंकल, हाँ ओके, फर्स्ट आई एम गोइंग टू ईटिंग द फूड, आफ्टर आई विल बैक, ओके देन आई विल टेंट, ओके टुडे स्टे, टुडे नाइट स्टे हेयर एंड टुमारो आई विल गो, ओके। तो भाई साहब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सही और गलत तरीके से इंजॉय करना पड़ता है, ओ सॉरी बहसबाजी करके मतलब समझाना पड़ता है, उसके बाद तब लोगों को समझ में आता है। भाई साहब ये प्रॉब्लम आप लोगों को झेलने के लिए पड़ सकता है, जहाँ पे लोगों को इंग्लिश भी ना आती हो, हिंदी भी ना आती हो, और इनकी लैंग्वेज उच्चू पुच्चू कुचू वाली है, तो ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिलहाल गैस यहाँ पर हम जा रहे हैं, रेस्टोरेंट है यहाँ पर खाना खाएँगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि सुबह से मैं व्लॉगिंग कर करके ना थक चुका हूँ यार, बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे और चलते खाना खाने। ये है इंडिया का लास्ट विलेज, कल आपको और भी एकदम किनारे लेके जाएंगे जो बिल्कुल लास्ट ही है।